Habakkuk said, Lord, please tell me what you're doing. And God said, no, I'm not going to tell you, Habakkuk, because if I told you what I was doing, you wouldn't believe it. If God today told us what he's doing in the world, we wouldn't believe it. Don't you think God's given up and God's abdicated and God's left the throne? He hasn't. He's still on the throne. And those of us that know him put our trust in him and him alone. I don't put my trust in Washington. I don't put my trust in the United Nations. I don't put my trust in myself. I don't put trust in my money. I put my trust in the Lord Jesus Christ. When all the rest of it fails and crumbles and shatters, he'll be there. Prakashit Vakya, pehla adhyay 15th vachan. Isme ye likha rehta hai ki प्रभु के बारे में लिखा रहता है, जहां प्रभु का जो क्या लिखा है, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसके शब्द बहुत जल के शब्द की नदी की तरह है। तो इसमें क्या लिखा है कि उनकी पांव जो है उत्तम पीतल की तरह के समान था, और मानो कि वो बट्टी से, माने जहां आग में डाल के उसको उबाला, उसको लेके आते हैं ना, बाहर लेके आते हैं, उसकी तरह है। किसकी पांव? प्रभु का पांव। और उनके जो शब्द जो है, उनके मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, वचन जो है, वो बहुत जल के शब्द की तरह है। अगर बहुत ही नदी, अगर जब नदी के पास हम खड़े रहते हैं, तो नदी के पास जब खड़े रहते हैं, नदी के झरने जब निकलती रहती है ना, तब हमें आवाज सुनाई देती है। एक नदी का ही आवाज इतनी भयानक रहती है, इतनी है ना, हमें थोड़ा महसूस करें तो हमें समझ में आता है कितनी भयंकर रहती है। लेकिन यहाँ एक नदी नहीं, बहुत सारे नदियों या झरनों की जो आवाज है, उनकी तरह दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो ये क्या दिखाती है यहाँ कि उनके पांव जो है, उनके पांव क्या दिखाती है कि प्रभु का, कल जब प्रभु आएंगे वो क्या करने वाले हैं, सबका जजमेंट करेगा, न्याय करेगा प्रभु। न्याय जब करेगा, वो दानियल का हमें मालूम है, प्रभु का जो जो चेहरा है उसके बारे में दानियल में 10वां अध्याय 6 वचन में लिखा रहता है कि प्रभु का जो मुख है और मुंह है और उनके जो हाथ पैर ये सब के बारे में बोला गया है, वही वचन हमें ये प्रकाशित वाक्य में दिखाई देती है। तो ये पूरा क्या दिखाई देती है कि प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है, और जब प्रभु न्याय करेंगे, उनका जो पांव है वो किस तरह है, आग में गोले की तरह है। तो ये क्या दिखाती है, प्रभु अभी जब आएंगे वो सामान्य की तरह नहीं आएंगे, वो किस तरह आएंगे, भयंकर रूप में आएंगे। तो ये क्या दिखाने वाली है कि जब प्रभु ये धरती को है ना पूरा न्याय करेगा, जो अपने अपने करपुतों के वजह से या प्रभु को जो मान के माने नहीं, उनका जो पूरा है उनके बारे में ये बोला गया है, और जो भी मान के भी प्रभु में नहीं जीते उनका भी प्रभु है ना उनके बारे में भी बात किया गया है। तो जब बात करते हैं, उनके स्वर जो है वो बहुत ही गंभीर है। नदी के जो झरने हैं वो सामान्य नहीं है, वो क्या दिखाती है, बहुत नदियों का मेल मिलाप दिखाती है। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि प्रभु का जो स्वर है वो शांति रूप की तरह नहीं है, या दया या करुणा की तरह नहीं है। जब प्रभु आएंगे ना, एकदम उनकी आवाज इतनी भयंकर रहती है कि सब लोग डर जाएंगे। हम सोचते हैं कि देखिए, जब आप लोग यहाँ आए हो, गुंटूर आए थे, और यहाँ से फिर वापस आप यूपी गए हो, आपने कभी सोचा है क्या आप यूपी फिर वापस जाएंगे? नहीं सोचे। जब यहाँ आए थे, आपने अपने दिमाग के हिसाब से आपने प्लान किया होगा कि मैं ये काम करूंगा, ये इतना कमाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा। लेकिन पूरा आपकी जिंदगी से लेके पूरा धरती में, भूमि में, भूमि पे जो भी लोग है, उन सब की जिंदगी को एकदम एक कोरोना जो महामारी है ये आके सबको चेंज कर दिया,
उनके सोच को चेंज कर दिया। देखिए हम अगर अगर एक बार हम याद करें कि क्या हुआ है हमारी जिंदगी में, तो हम सोच सकते कि भाई अपने हमने सोचा भी नहीं है कि ये होगा। जैसा ये महामारी जब आई है हमारे सोच से ऊपर है, प्रभु जब आएंगे प्रभु का भी वही हालत रहेगा। प्रभु आप जब इधर आएगा तब चेंज हो जाऊंगा, तब मैं सुधर जाऊंगा करके सोचना मत, उससे पहले ही हमें सुधरना है। जब प्रभु का स्वर एक एक क्या बोलते हैं बहुत ही निर्मल कोमल की तरह है, मीना की तरह है, तब तब ही हमें सुधरना है, ना जब भयंकर ये यूदा गोत्र का सिंह की तरह जब प्रभु बात करेंगे ना तब हम रह नहीं सकते। प्रभु का जो स्वर है आज अच्छा है, वो प्रभु हमें पुकार रहा है कि उनके साथ रहे, उनमें रहे। अगर समय को हम बराबर इस्तेमाल नहीं करें, अपनी पूरा जिंदगी को बेकार व्यर्थ करके रहे, अपनी जिंदगी जैसा जीना वैसे जी ले, तो ये याद दिलाती है कि भाई जब प्रभु आएंगे इस समय निर्मल कोमल उनका स्वर नहीं रहेगा, उनका स्वर गंभीर रहेगा, तो सुधर जाओ। प्रभु हमारी ये प्रार्थना को हम स्वीकार करें। प्रभु प्रभु हम हर वक्त प्रभु हमारे समय को ठीक तरीके से प्रभु आप में व्यतीत करें। प्रभु समय को बर्बाद ना करें। प्रभु प्रभु जब हम समय को बर्बाद करते हैं, ओ प्रभु हम फिर वापस नहीं लेके आ सकते। समय गई तो जिंदगी गई। प्रभु प्रभु हमारे ये सुंदर समय जो आपने हमें दिया है उसको हम बराबर इस्तेमाल करें। प्रभु हमें वो बुद्धि विवेक विवेचना कर वो आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि ये जो जिंदगी है प्रभु आप में ही जिए। प्रभु कल जब आप आएंगे प्रभु आप न्याय करने वाले हो। प्रभु जब आप न्याय करेंगे प्रभु हम कहाँ रहेंगे? प्रभु हम ओ प्रभु हम उस मेने में रहेंगे या उस भेड़ में रहेंगे? ओ प्रभु हम कहाँ रहेंगे, किस तरफ रहेंगे? ओ प्रभु हमारी मदद करिए ताकि हमें आप देख के प्रभु हमें देख के आप संतोष हो जाए, प्रभु आनंदित हो जाए, उस तरह हमारी जिंदगी को बदलिए। प्रभु जाने अनजाने में कहीं गलतियां की है तो हमें क्षमा करें, हमें माफ करें प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन और समय के लिए। प्रभु आज तूने हमें सुंदर सा समय और दिन दिया। प्रभु आज हमें जिंदगी और सांस हमारे घुटनों में और हमारे हर एक अंगों में तूने जान डाली। प्रभु ये दिन हम आपके शुक्र गुजारे पिता की आज हमें बहुत एहसान किया। प्रभु आप परमेश्वर पिता आज के वचन में प्रभु जो तूने हमें सीख दिया प्रभु कि उसके पाँव उत्तम है और पीतल के समान थे। प्रभु आप सच में प्रभु महान है। आपके जब इतने पैर उत्तम और पीतल के समान है प्रभु आप हमें कैसे प्रभु लाएंगे और हमारे पापों को प्रभु आप न्याय करेंगे? प्रभु हम जो पाप और गुनाह किए प्रभु आपके लहू से धोए गए और शुद्ध किए गए। प्रभु हम परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम तेरे राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु हर एक दिन को प्रभु बहुमूल्य समझे। प्रभु ये दिन और समय प्रभु हम तेरे अनुसार व्यर्थ करें। प्रभु संसार की अभिलाषाओं में न व्यर्थ हो प्रभु और हमें हर एक बुराई से प्रभु बचा के रख क्योंकि हम तेरे समान खड़े हो सके प्रभु तेरे सामने। प्रभु परमेश्वर पिता जिस तरह हमें सामर्थ और बुद्धि दी प्रभु हर एक भाई बहन को जीवन में आओ प्रभु उनके जीवन को बचाओ प्रभु क्योंकि आप ही बदलने वाले हर एक जीवन को बुराई से प्रभु हटा सकते। परमेश्वर पिता ये जो आज हम भाइयों को ये बातों को खोली प्रभु ये बातें हमें समझ आई प्रभु आप बहुत महान प्रभु आपकी विख्याता नहीं की जा सकती प्रभु आप पूरी सृष्टि में बढ़ के प्रभु हम यही चाहते प्रभु हर एक दिन प्रभु तुझ पे गुजारे और हर एक दिन तेरे मरने का प्रभु स्मरण करे। प्रभु हर एक दिन प्रभु तेरे उस प्रभु जो हमारे लिए प्रभु तुम्हें मारा गया और हमारे ही खाली प्रभु तेरे दर्द और तकलीफ उठाए इतनी भयानक तकलीफ उठाए प्रभु हम तेरे दर्द को हर एक दिन अपने जीवन में स्मरण करे। प्रभु और हर एक दिन प्रभु तेरी देह को खाएँ और हर एक दिन प्रभु हमें बल और सामर्थ्य दें। परमेश्वर पिता हमें दीन और नम्र और सच्चा से प्रभु बना। प्रभु हम हर एक चीज से प्रभु
बुराई से दूर रह सके प्रभु। और परमेश्वर पिता जो भाई बहन कहीं भी है प्रभु जो का तकलीफ है प्रभु, उनकी मदद कर प्रभु, क्योंकि तू मदद करने वाला प्रभु है पर सृष्टि में और प्रभु नहीं है प्रभु। उन पर अपनी अनुग्रह और आशीष कर प्रभु इस समय और दिन के लिए प्रभु। हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु और हमारे बीच में हम भाइयों को जो राजेश भाई ने आज प्रभु हम पे बात की प्रभु, इनके घर और परिवार प्रभु तेरी अनुग्रह तेरी आशीष बहुत आय से होने पाए प्रभु। हर पल इनकी मदद कर प्रभु। प्रभु हम ये प्रार्थना और विनती आपके हाथों में बलवंत देते प्रभु। ये स्वर्ग में जाए और सुनी जाए और कबूल की जाए प्रभु। प्रार्थना और विनती सुने कबूल करें यीशु नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। जैसे कि अभी हम बोले कि एक बंजर भूमि जिस तरह की खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग उपजाऊ भूमि की तरह प्रभु ने बनाया है, हमारी जिंदगी भी बंजर भूमि ही थी, लेकिन जब प्रभु हमारी जिंदगी में आ गए वो उपजाऊ भूमि की तरह उन्होंने बनाया। जब बंजर भूमि था तब पत्थर भी थे और घास फूस सब कुछ था, कांटे सब कुछ था, लेकिन जब उपजाऊ भूमि बना, उपजाऊ भूमि में जब अपने बीज बोया पानी डाला उसके बावजूद भी बीज जैसे निकल रही है, बीज जैसे पौधा निकल रही है, वैसे ही ये कांटे भी निकल रही है, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि उस समय उसका कोई रखवाला नहीं था, कोई ये अपनी भूमि करके ये अपनी जमीन करके कोई नहीं बोलता था, लेकिन आज बोलने वाला है जो बोलेगा भाई लूप तो मेरा है, ये मेरा है, अगर ये इधर उधर भटक रहा है उसको सुधार भी सकता हूँ, हाँ थोड़ा इधर उधर कर रहा है तो उसको लंगड़ा भी बना दूंगा लेकिन बिठा दूंगा। और इसीलिए पुत्र की ताड़ना नहीं करता, जिसको पुत्र बना लेता उसकी ताड़ना भी करता, उसे कोड़े भी लगाता और उसे मार। अरे कोड़े मारे तो डरने की बात नहीं है, कोड़े मारे तो हमारे लिए अच्छे हैं, वो प्यार करता है इसलिए कोड़ा मारता है। एक दिन ऐसा था कि कोई है ही नहीं इसका जी का, बस आया आया गया गया ऐसा था, लेकिन आज हमारे वाला हमारा करके एक है, वो है हमारा परम पिता परमेश्वर। इस धरती पे माँ बाप भी चले जाएंगे, अपने जो अपना करके बोलने वाले वो सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन ये की है जो छोड़ेगा नहीं। जब तक धरती और आकाश और भूमि है तब तक के लिए, जब तक वो है उनके वचन भी है और उन्होंने बोला है कि मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, हाँ तो प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, प्रभु हमें पकड़ के रखेगा। तो जब हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करके प्रभु को मानते हैं, पहला विश्वास रहना है अंदरूनी बात और बाप्तिस्मा जो है वो बाहर बाहर की बात है। तो यूहन्ना 3:5 में यही लिखा रहता है, जब आप आत्मा में और जल में आप बाप्तिस्मा नहीं लेते हो, आप स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश नहीं हो सकते हो। तो पहली बात विश्वास रहना है, वो अंदरूनी बात, जैसे कि पहला कदम डाले उसके बाद दूसरा कदम भी डाले तभी तो हम चल सकते हैं। पहला कदम ये है कि आपने विश्वास किया, दूसरा कदम क्या है कि आपने बाप्तिस्मा लिया। जब ये दो चीजें चलती हैं, बाप्तिस विश्वास तो अंदरूनी बात है, बाप्तिस्मा जो है वो बाहर की बात है और पूरे दुनिया को बोल रहे हैं भाई आज से तो मैं मसीहा का हूँ, ये बोलना है प्रभु, ये तो यही चाहता है ना कि बोलो भाई, बोलो का मतलब है कि दुनिया को बताओ कि मैं नहीं हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ भाई। तो जब हम ये बोलते हैं और हमारे हमारे क्रियों के साथ हमारे हमारे करपुतों के साथ वो दिखाई देती है तो लोग बोलते हैं हाँ अरे ये तो बहुत सुधरा, ये नई सृष्टि बना है, इनमें अंदर बहुत सारे चेंजेस आई हैं। दूसरी बात है जब प्रभु हमारे अंदर आता है ना वो खुद हमें एकदम चेंज कर देता है, सुधारता है। सुधरना हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो आता है वो सुधारता है हमें। देखिए जब बंजर भूमि थी वहां कांटे थे सब कुछ थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पौधा जब आता है ना पौधा की वजह से क्या होता है, पौधा की वजह से जो आता है बंजर भूमि में हमारे अंदर एक नई ताकत आती है, नया ताकत आती है, उसका रखवाला भी उस पौधे के लिए ही करता है।
रखवाला वाला भी, उस सबको उखाड़ के फेंक देता है। जो शरीर में जो भी है ना कार्य, जो भी है ना क्रोध हो या जो भी दुनिया के जो भी संबंध वाली जो भी चीजें, विचार और हाँ वो सब कुछ जो भी विचार, वो सबको निकाल के फेंक देता है रखवाला। आज यस रखवाला हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, वो तो हमारे साथ है भाई। यस तो प्रभु हमारे साथ है, तो जब हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु ही हमारे साथ है, उसके लिए डरना नहीं। एक ही है, जब विश्वास किए हो कभी भी पीछे मत देखना। एक नपुंसक था जो कोजा था, उस आदमी ने जब पढ़ रहा था एशिया का ग्रंथ पढ़ रहा था, उस समय फिलिप वहाँ आत्मा के माध्यम से जाता है और फिलिप बोलता है कि आप जो पढ़ रहे हो उनको समझ में आया? तो बोलता है भाई मुझे तो कोई बोलने वाला रहेगा तभी तो समझ में आता है। और वो बोल दिया है कि भाई वो मेना तो कोई और नहीं है, खुद परमेश्वर है जो आपके लिए मरा है। तो वो बोलता है अभी मुझे क्या करना है, बताइए मुझे क्या करना है। वो और बोलता है कि बपतिस्मा लेने, तो क्या आपको रोक रही है, मुझे तो अभी बपतिस्मा दे दी, पानी दिख रही है मुझे बपतिस्मा दे। और उन्होंने बपतिस्मा दे ले लिया, तुरंत ले लिया। हाँ, केवल विश्वास है। विश्वास बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लेके चला गया। उसके पीछे तो फिलिप आया नहीं, कोई भी नहीं आया, लेकिन एक आया था उनके साथ, वो था प्रभु। आत्मा उनके अंदर गई थी और वही कोजा एक देश, पूरा देश को उन्होंने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। जो इस धरती पे पहला देश था जो देश अपने आप को मसीहा का देश बनाया, एक इतोपिया करके एक जगह है, उस देश को पूरा के पूरा इन्होंने, एक ओझा ने प्रभु प्रभु के लिए उन्होंने जीत लिया। देखिए क्या हुआ है, विश्वास के साथ क्या होता है। आपने विश्वास किया है, आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके माध्यम से बहुत सारे जिंदगी को अलग कर देगा, है ना, सुधार देगा। मैंने बहुत बदलाव किया भाई, कब से भैया मैं इतनी चाहता जैसे 32 बार लिया भैया, मैं अपने आप को सोच नहीं सकता था, जो फिर भी मैं विश्वास करता था भैया पे, मेरे मन में शैतान आके पता नहीं क्या क्या बोल जाता था मेरे अंदर, क्या जो मुँह में मेरे मन में आता वो से निकल जाता था। और सच में मेरे अंदर इतनी फॉर्म पावर आई और प्रभु ने मुझे हर एक जो मेरी लत नहीं छूटती थी बुरी संगतियों और ठट्टा करने वाली संगति, वो आज मैं भूल गया हूँ, क्या है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मिलते तो बस हाय हेलो नमस्ते भैया, और मुझे जिसने मुझे ज़िंदगी में उसकी सुखी उसकी आराधना उसकी लोचना ही मेरे लिए ज़िंदगी में ही आई है, और मैं किसी का वो नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि मुझ छोड़ किसी को दंडवत न करना और मुझ छोड़ किसी मूर्तों में ना बनाना खोद के और ना किसी की स्तुति और ना किसी बड़ाई करना। तो भैया हमारे मन में एक ही प्रभु है और उसकी आराधना उसकी स्तुति और कोई दूसरा काम नहीं भैया। आप मिलते भैया और क्या क्या जो माननीय हो गए दादा पीड़ित में, मैं प्रार्थना करते उनके लिए और प्रभु का सुसमाचार बताते, भैया विश्वास करते हैं तो जिंदगी में अपने आप को ज्योति प्राप्त करते हैं, और विश्वास नहीं करते भैया हमारा जो काम वो करना भैया क्या भैया। हाँ परमपिता परमेश्वर, आप विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हमारे हाथ पकड़ के हमें लेके जाइए प्रभु। जो विश्वास के साथ बपतिस्मा जो हमारे भाई लूक ने लिया, और जो दूसरे भाई जो प्रभु आपको माना है प्रभु, लेकिन बपतिस्मा के लिए डर रहा है प्रभु, उस भाई से बात करिए प्रभु। और प्रभु आपका राज्य प्रभु विस्तृत हो जाए प्रभु। प्रभु उस भाई को भी आप चंगा करिए, वो बपतिस्मा का जो महत्वपूर्ण है वो समझे प्रभु। और सुधरने वाला तो आप हो प्रभु, सुधारेंगे तो आप हो प्रभु। हमारी गिरी हुई इस जिंदगी को सुधारने के लिए ही आप आए हो प्रभु, संभालने के लिए आप आए हो। हमारे जिंदगी को हम खुद नहीं सुधार सकते, केवल और केवल हमारी जिंदगी को आपके हाथों पे सौंप सकते प्रभु। हमारी मदद करिए, हम हर वक्त तक प्रभु आपके हाथों पे हमारी ज़िंदगी को रखे करके याद करें प्रभु, कभी भूल ना पाए प्रभु। हमारी मदद करिए ओ लॉर्ड जीसस, आमीन। धन्यवाद जिस पर आपने मुझे हर एक अपराध और गुनाह से प्रभु आज छुटकारा दिया प्रभु, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ और तेरी लोचना तेरी बड़ाई तेरी प्रसन्नता करता प्रभु, कि तेरा स्वर्ग में पवित्र नाम माना जाए प्रभु, आज तेरा राज है प्रभु, और परमेश्वर पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी प्रभु इस प्रभु
हमें दिन भर की रोटी दिया प्रभु आज, तो हमारी मेहनत है पसीने प्रभु। और परमेश्वर पिता जो हमारे हर एक अपराध और गुनाह के प्रभु को क्षमा कर दे अपने लहू से प्रभु। परमेश्वर पिता जो हमें हर एक बुराई से दूर कर प्रभु। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई के लिए जो प्रभु तुझे अपने दिल को खोला प्रभु, और तेरे मैं तेरे पास प्रभु हर एक धरती पर भटक के आए तेरे पास, तेरे प्रभु तुझे खटखटाते प्रभु, आप उनके लिए खोले प्रभु। क्योंकि अब वचन में कहा गया कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा प्रभु। आज वो आपके दरवाजे खटखटाए प्रभु, आप उनके जीवन में आए प्रभु, हर एक तरह के अंधकार की शक्ति को आप मिटा दी प्रभु। और परमेश्वर पिता आपसे उन्हें चुन लिया प्रभु, और उन्हें नई सृष्टि होने के लिए प्रभु आप उनकी आत्माओं को जांचे प्रभु। हर एक जो प्रभु उनके अंदर बाधा प्रभु, हर एक प्रकार की बाधा को प्रभु आप उनसे दूर कर प्रभु, और आप पूरी हो चुके प्रभु। अब इस संसार के लिए प्रभु तेरे वरण और इस संसार के लिए उठा दे प्रभु। परमेश्वर पिता उनकी मदद कर प्रभु, और उनके मन को और उनकी आत्माओं को जांचे प्रभु। तो प्रार्थना करते प्रभु हमें जिस तरह हमारे विश्वास को प्रभु मजबूत किए बेटा, उनके विश्वास को मजबूत कर और उन्हें अनुग्रह और आशीष की भर दे। आज की रात प्रभु उनकी उनकी रखवाली कर, और उनसे पूछ प्रभु वो किस चीज़ से डर रहे हैं, किस चीज़ से रहे प्रभु। आप आत्माओं को जानने वाले प्रभु हम नहीं है प्रभु, हम तो तेरे विश्वास में आज प्रभु बहुत आए थे जीवन में अपनी हर एक चीज़ों को सुधार पाए प्रभु। जिस तरह हमारे जीवन में हर एक